हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस पेपर 2021 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन कर लिए थे एंड आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग EMRS से PGT बायोलॉजी या फिर TGT बायोलॉजी से फॉर्म फिल किया है, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अदर स्टेट से जैसे JSSC या BPSC, तो इन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि PCT बायोलॉजी का मोला ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहता है, इसलिए आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। अगर आपने प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं, तो हम लोगों ने 4 मॉडल पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप इलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जुइडोगेमी, मेल एंड फीमेल कोन्स अकर ऑन द सेम ट्री इन साइकस। साइकस की बात की जा रही कि साइकस के प्लांट्स में मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट पर बियर होती है। नेक्स्ट, इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट विच फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलिए, तो इसमें से आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जुइडोगेमस नहीं, साइफोनोगेमस होता है। ठीक है, साइफोनोगेमी होता है। जिन प्लांट्स को वाटर की रिक्वायर होती है, उनमें हमें फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलता है? जुइडोगेमी टाइप का। ठीक है, और वो प्लांट्स कैसे होते हैं? जुइडोगेमस प्लांट होते हैं। लेकिन जिनमें फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब की हेल्प से होता है, उसे हम साइफोनोगेमी कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम साइफोनोगेमस प्लांट कहते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है, इनमें तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम ट्री इन साइकस, नहीं, मेल कोन अलग प्लांट्स पे, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं और उन पर अलग अलग कोन्स बियर करती हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट इम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। विच फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इंडोस्पर्म बनता तो फर्टिलाइजेशन के बाद है, जिसकी पोलाइडी 3N होती है। ठीक है, ट्रिप्लॉयड होता है, लेकिन ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, नहीं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट, तीनों ही क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम वन को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। क्वीन क्विंसियल एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये किन फैमिली से रिलेटेड है, ये आपको मैच करना है। तो हमें क्वीन क्विंसियल एस्टिवेशन कहाँ देखने को मिलता है, रेनन्क्युलेसी में, ए थर्ड के साथ, एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन सीजल पिनोइडी में देखने को मिलता है, एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन मालवेशी में, एंड वेलवेट एस्टिवेशन आपका वेलवेट एस्टिवेशन जो कि आपका पेपी लियोनेटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए तो क्या आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैसियोला पेरीप्लेनाटा सी वॉलनट। फैसियोला जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पेरीप्लेनाटा जिसमें आपको प्रोटियोस्टोम्स देखने को मिलेंगे, एंड जो बायरेडल रेडियल सेमेट्री है ये आपको सी वॉलनट में देखने को मिलेगी। सी वॉलनट टीनोफोरा का मेंबर है, टीनोफोरा, ठीक है, जिसमें आपको बाई रेडियल सेमेट्री देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गूसबेरीज इन द कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म्स व्हिच हैव फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। सी गूसबेरीज जिनके पास क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ये क्या है, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स, कोलोब्लास्ट सेल्स, या फिर नीडोब्लास्ट सेल्स, या फिर नेमेटोसिस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलोब्लास्ट सेल्स सी गूस बेरीज में प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये इसके ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनिमल्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ कॉन्ड्रिकथीस। कॉन्ड्रिकथीस के बारे में आपको इनकरेक्ट चूज करना है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। प्रेजेंस ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स, अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, एंड नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट ओनली एट लार्वल स्टेज। तो आप कॉन्ड्रिकथीस के बारे में बताएंगे, यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है। तो इनकरेक्ट यहाँ पर क्या हमारा है, ऑप्शन नंबर डी, नोटोकार्ड ओनली लार्वल स्टेज में नहीं बट कि थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जो कॉन्ड्रिकथीस हैं, जैसे आपका डॉग फिश है ना, डॉग फिश जिसे हम स्कोलियोडॉन कहते हैं, स्कोलियोडॉन, तो इसका इंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस है, एयर ब्लेडर यहाँ अब्सेंट है। एयर ब्लेडर आपको डिप्नोई फिशेस में देखने को मिलेगा जो कि आपकी ऑस्टियोकथीस है, और यहाँ पर आपको प्लेकॉयड स्केल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद रखना, स्कोलियोडॉन या कॉन्ड्रिकथीस में कॉमनली जो इनके टेल है ये हेटरोसिलस होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, हेटरोसिलस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइटलेस बर्ड्स
रिया कीवी एंड ईमू रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच कंट्रीज। कुछ फ्लाइट लेस बर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे रिया कीवी एंड ईमू, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड जापान। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइटलेस बर्ड देखने का आपको मिलेंगी, जैसे रिया कीवी एंड ईमू। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है? विटामिन एच को हम थायमिन कहते हैं, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ए कैल्सीफेरॉल। चलिए करेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या मैच है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। थायामिन कौन सी होती है? B1, ठीक है, विटामिन B1 को हम थायामिन कहते हैं, एंड विटामिन ए को हम रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल कहते हैं। B1 या फिर B3 है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। थायमिन को B3 कहते हैं। ये फिर B3 को हम नियाशीन कहते हैं। एक बार देख लीजिए, कंफ्यूज हैं प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिटम टीथ इन ह्यूमन इज? विजिटम टीथ किसे कहते हैं? थर्ड मोलर एंड 4 इन नंबर, थर्ड मोलर एंड 2 इन नंबर, सेकेंड मोलर एंड 4 इन नंबर, या फिर सेकेंड मोलर एंड 2 इन नंबर। हम सभी जानते हैं जो थर्ड मोलर है वो विजिटम टीथ कहलाता है, ठीक है, और ये नंबर में कितने होते हैं? 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस? इनमें से रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस से कौन रिलेटेड है? कैटकिन एंड हाइपनथोडियम फ्लावर, रेसिम एंड साइथियम, कोरिम्ब एंड अम्बेल इनफ्लोरिसेंस, या फिर वर्टी सेलेस्टर एंड स्पाइक। चलिए आंसर करिए। तो रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस से कौन रिलेटेड है? दैट इज कोरिम्ब एंड अम्बेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिनेंड्रस कंडीशन इज फ्यूजन ऑफ? सिनेंड्रस कंडीशन किसके फ्यूजन से बनती है? फिलामेंट्स ओनली, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स, या फिर एंथर्स ओनली, या पीटल्स विथ एंथर्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट्स एंड एंथर जब फ्यूज कर जाते हैं तो इस कंडीशन को हम सिनेंड्रस कहते हैं, ठीक है। ये एंथर्स के लोब हैं और ये एंथर्स के फिलामेंट्स हैं। जब बहुत सारे ढेर सारे इस तरीके से एंथर्स के लोब और इसके ये फिलामेंट्स इस तरीके से फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनेंड्रस कहते हैं, ठीक है, सिनेंड्रस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
experimental verification of the chromosomal theory of inheritance done by Thomas Hunt Morgan and his colleagues they work with. जो थॉमस एच मॉर्गन है इन्होंने इनहेरिटेंस पर वर्क किया था, है ना, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पर वर्क किया. तो इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म पर वर्क किया था? पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट, स्नैप ड्रैगन या फिर ड्रोसोफिला. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्रोसोफिला. टी एस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर वर्क किया था और उन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन है, ठीक है, एंड लिंकेज ग्रुप, इन सारी चीज़ के बारे में बताया था एच मॉर्गन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. लेवर मैकेनिज्म या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि पॉलिनेशन कराती है, ठीक है. एंथ्रीडियम, एंटी रिहनम, मस्टर्ड, साल्विया या फिर जिसे हम सेज प्लांट कहते हैं या फिर फाइकस. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साल्विया, जिसे हम सेज प्लांट भी कहते हैं. इसमें जो पॉलिनेशन है वो लेवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म के थ्रू होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन लायंस हाइपोथेसिस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉर बॉडीज फाउंड इन अ ह्यूमन फीमेल सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. एक फीमेल है जिसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि बॉर बॉडीज कितनी प्रेजेंट हैं. चलिए आंसर करिए, तो बॉर बॉडीज कितनी प्रेजेंट हैं? तो हम बॉर बॉडीज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? नंबर ऑफ बॉर बॉडीज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, माइनस वन. जितने एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उसमें से माइनस वन कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉर बॉडीज निकल आएंगी. जो डाउन सिंड्रोम फीमेल है इसके पास एक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45 ऑटोसोम्स एक्स ओ, ठीक है, 45 एक्स ओ. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है हमारे पास? 1, ठीक है, एंड माइनस 1. तो बॉर बॉडीज कितना आ गया? 0. तो जो डाउन सिंड्रोम फीमेल है इसके पास बॉर बॉडीज 0 होती हैं, ठीक है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपरेटस कॉमनली यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम किस एपरेटस को यूज कर सकते हैं? आर एक्जेनोमीटर, हेलियोट्रॉपिक चैम्बर, पोटोमीटर या फिर क्लिनोस्टैट. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेलियोट्रॉपिक चैम्बर्स के थ्रू हम फोटोट्रॉपिज्म को डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाज गिवन बाय खुराना, सैर्थ, लेविट या फिर डार्विनिज्म. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेविट ने बताया
कि जो जो एक्टिव पोटेशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म है इसके थ्रू जो स्टोमेटा हैं या ओपन या क्लोज होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, आपके पास प्योर वाटर है ठीक है, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होगा एंड वाटर पोटेंशियल कितना होगा, और आपको क्या बताना है वाटर पोटेंशियल कितना होगा। जीरो एंड जीरो, हंड्रेड एंड जीरो, हंड्रेड एंड हंड्रेड या जीरो एंड हंड्रेड। तो हम सभी जानते हैं जो प्योर वाटर होता है इसका वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी जो वाटर पोटेंशियल है ये कितना होगा जीरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीरो। नेक्स्ट, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड सिस्टाइन इज अचीव्ड थ्रू। प्रोटीन्स है जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में है ठीक है, और उसके पास एमिनो एसिड क्या है सिस्टाइन है, तो जो सिस्टीन एमिनो एसिड, सिस्टीन एमिनो एसिड, सिस्टीन एमिनो एसिड से बाइंड करके क्या सिस्टाइन का फॉर्मेशन करता है, तो ये किस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वॉन्डर वाल फोर्स या फिर आयनिक बॉन्ड्स। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड्स होता है ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकर इन। जो क्रोमोसोम है ठीक है उनका जो सेंट्रोमियर है वो कब स्प्लिट हो जाता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनाफेज या फिर एनाफेज फर्स्ट में या फिर एनाफेज सेकेंड में या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो आपका माइटोसिस में ठीक है, माइटोसिस में एनाफेज में जो क्रोमोसोम है इनका सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर ठीक है अपने पोल्स की तरफ ये मूव कर जाते हैं ठीक है, एनाफेज में इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे। और अगर मियोसिस की बात करें, मियोसिस की, तो मियोसिस में ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, एनाफेज सेकेंड में ठीक है, एनाफेज सेकेंड में। तो आपसे नॉर्मली पूछा गया है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स इन, तो आप क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफिनोज इज एन ऑलिगोसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। जो रेफिनोज है ये क्या है, एक ऑलिगोसैकेराइड्स है। तो ये ऑलिगोसैकेराइड्स किन से मिलकर बना होता है, किसका ये पॉलीमर होता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज या फिर ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज या फिर माल्टोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज, नन ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर रेफिनोज बना होता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम
occurs during which stage of life cycle? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं ये आपको किस स्टेज में देखने को मिलते हैं? मोस्टली ये आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। तो डिप्लोटीन, पैकेटीन, लिप्टोटीन या फिर जायगोटीन किस स्टेज में देखने को मिलेंगे? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है ये जैंथ क्रोमोसोम होते हैं, नॉर्मली क्रोमोसोम से इनका साइज काफ़ी लार्ज होता है और ये फीमेल की ऊसाइट में कहाँ सेल डिवीजन के दौरान डिप्लोटीन सब स्टेज में देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। एरेकिडोनिक एसिड क्या है? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या फिर बोथ, बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, मरीन ब्रड, ठीक है, मरीन बर्ड पिंगुइन ड्रिंक सी वाटर। जो मरीन बर्ड है पिंगुइन, ये क्या कर रही है? सी वाटर को ड्रिंक कर रही है। एंड एलिमिनेट्स एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक साल्ट है, थ्रू नेजल ग्लैंड्स, देयर फीसेस या फिर देयर यूरिन या देयर फिर स्किन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेजल ग्लैंड्स। जो बर्ड्स हैं इनमें नेजल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिससे ये अपनी बॉडी का जो एक्सेस साल्ट होता है उसको सिक्रीट कर देती हैं, जिससे कि उनकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है, जो उनकी बॉडी का ऑस्मोटिक फ्लूड है, उसका कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे क्रोकोडाइल्स में जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, टीयर, तो उनके थ्रू भी साल्ट रिमूव होता रहता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड डीएनए, जेनेटिकली इनर्ट डीएनए, एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग डीएनए या फिर बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो आपका यू क्रोमेटिन है, लूजली पैक्ड डीएनए होता है जो कि जेनेटिकली इनर्ट होता है, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली इनहेरिटेंस होता है। जबकि आपका हेट्रोक्रोमेटिन है ये आपका कंडेंसली पैक्ड होता है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होता है और जेनेटिकली नॉन इनर्ट होता है, यानी कि ये इनहेरिटेंस में रोल प्ले नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? निसल ग्रेनुल्स इन द न्यूरॉन्स आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निसल ग्रेनुल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन सेल में। नेक्स्ट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल आर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मसल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। मसल्स में जो जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वो क्या होता है? SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। F0 एंड F1 आर द नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में FO एंड F1 जो पार्टिकल्स हैं ये नॉन फंक्शनल यूनिट होते हैं? नहीं,
यही तो फंक्शनल यूनिट होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटीपी के सिंथेसिस में, ठीक है, एटीपी के सिंथेसिस में। तो ये बात तो यहाँ पर इनकरेक्ट है। एंड लाइसोजाइम्स वर्क एट पीएच 5, जो लाइसोजाइम्स इंजाइम होते हैं वो 5 पीएच पे वर्क करते हैं। सो करेक्ट यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्ट सेल डिवीजन इन द कैंसरस सेल्स लीड टू अ स्टेज व्हेन द सेल्स स्टार्ट मूविंग टू डिफरेंट बॉडी पार्ट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। सेल है, ठीक है, जिसमें जो बहुत फास्टली डिवाइड कर रही है, तो वो सेल कैसी है, कैंसरस सेल है जो कि बहुत फास्ट डिवीज़न कर रही है। एंड डिवीज़न करने के बाद वो सेल्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर रही हैं और वहाँ पर जाकर भी जो अदर सेल्स हैं उनको भी कैंसरस सेल्स में चेंज कर रही हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेटाफेस, मेटाजिनेसिस, मेटास्टेसिस या फिर मेटामॉर्फोसिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं इसे, हम मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस। जब सेल अनकंट्रोल डिवाइड करने लगती है, सेल की जो कंट्रोलिंग मशीनरी है वो फेल्स हो जाती है कुछ म्यूटेशन या डिफॉल्ट की वजह से, तो सेल क्या करती है, अनकंट्रोल्ड जो है डिवाइड करने लगती है, तो ऐसी सेल्स को हम कैंसरस सेल्स कहते हैं, जिसके लिए, और जब ये कैंसरस सेल्स एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट्स में मूव करने लगती हैं तो इसी प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के ये आपके 50 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके 51 से 75 क्वेश्चंस होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर हमारे साथ सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे।